हर हर महादेव जी। नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना गैस चलाए एक मिठाई बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत सिंपल सी मिठाई है। तो इसको आप भी इजीली बना सकते हो अपने घर में। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। ये एक कटोरी मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है, चीनी को पीस के इसका पाउडर बना लिया है। एक बर्तन का ही नाप कर लें, एक कटोरी या मेजरिंग कप या जो भी है, एक बर्तन का ही नाप कर लें। ये डेसिकेटेड पाउडर है, नारियल का बुरादा, ये दो कटोरी मैंने ले लिया है। ये एक कटोरी मिल्क पाउडर है, ये डाल देंगे इसमें। ये एक छोटी वाली चम्मच भर के इलायची का पाउडर। केवड़ा पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं आप तो फ्रेंड्स वो भी डाल सकते हैं। अब ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है, ये थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए इसको डो के शेप में गूंथ लेना है। अब इसमें से आधा आधा कर लेंगे। चाहे तो आप सफ़ेद रंग का भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आधे में कलर डाल दी हूँ। आधा सफ़ेद वाला ले लेंगे, इसको भी लंबा शेप दे देंगे। फॉइल पेपर से रैप करके रख देंगे, 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अब ये जो बाकी का बचा हुआ है इसके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इसकी। गोलियां बनके तैयार है हमारी। अब एक ही गोली लेंगे, आमने सामने लगा देंगे इसको, और सफ़ेद वाली लेंगे, इनको भी आमने सामने लगा देंगे। इनको हाथ की मदद से पेड़ का शेप बना देंगे। हमारी सारी मिठाई तैयार हो गई है। अब आपके पास पिस्ता है या बादाम है, उससे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और बनाने में काफ़ी आसान है। एक हमारी मिठाई तैयार हो गई है और एक अभी 5 मिनट बाद मैं कट करके दिखाती हूँ पीसेस। फ्रेंड्स, इसको रोल को जमाए हुए 5-7 मिनट हो गई है, अब देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव जी। नमस्ते फ्रेंड्स।